पापा को हम देखते थे कि जब वो बोलते वो उसके अच्छे से बैंडेज कर देता और जो तेंगा था वो बेड पे ले रहा था। तो मैंने जगह को उसकी तरफ कुछ देर तक दिखता है और फिर कहते हैं ना बेबी बॉय उठो उठो बेबी बॉय। तो फिर ना जो तेंगा को तो वो ना स्लोली अपनी आईज ओपन करता है, उसको ना अपनी चेस्ट एरिया में काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था तो उसके आईज में टीयर्स आ जाते हैं और जगह की तरफ देखता है और जो जगह को तो स्माइल करता है। फिर कहते हैं बेबी बॉय अब तुम कैसा फील कर रहे हो। तो फिर ना जो तेंग तो कुछ बोलता नहीं है, बिल्कुल साइलेंट होता है और ना जगह को देख रहा होता है, उसको ना पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो फिर कहते हैं बेबी बॉय आंसर नहीं ना, मुझे फिर ना गुस्सा आ जाएगा और फिर मैं तुम्हारे से फिर से पता नहीं क्या कर दूँगा। तो फिर ना जो तेंग तो वो कहते पेन हो रहा है मुझे। तो फिर कहते हैं वो तो होगा तो उसको छोड़ो, उसके अलावा अगर कोई चीज़ चाहिए मीन्स अगर किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बताओ मैं कर दूँ। तो फिर ना जो तेंगे तो वो सर नहीं मिला देते, कहते नहीं मुझे जरूरत नहीं है। तो फिर कहते हैं ओके फाइन आ जाओ तुम चल सकते हो। तो फिर कहते हैं कहता हाँ मैं चल सकता क्यों। तो फिर कहते हैं ओके बेबी बॉय मेरा मूड काफ़ी अच्छा है और मैं नहीं चाहता कि आज तुम्हें फालतू का कोई काम करना पड़े और मेरा कुकिंग करने का कोई मूड नहीं है। तो आ जाओ मैं तुम्हें आज लेके जा रहा हूँ, आज हम ना बहुत ब्यूटीफुल से डेट पे चलते हैं ओके। तो फिर ना जो तेंगे तो घबरा जाते होगी नहीं वो सोच रहे थे कि अगर वहाँ फिर से कुछ हो गया तो फिर से जगह उसको छोड़ेगा नहीं। तो फिर ना जगह कहने ना उसकी तरफ दिखता है और फिर कहते हैं क्यों क्यों नहीं। तो फिर जो तेंगे तो वो कहते अगर सोचते कि अगर मैंने सीधा सीधा बता दिया तो फिर ना ये फिर से गुस्से में आ जाएगा। तो फिर वो कहते हैं कि ना नहीं मैं अपने हस्बैंड के लिए खुद कुक करूँगा। तो ये सुन के ना जो जंको को था उसके ना गुस्से आ गया था फेस पे आ गया था, बट उसकी ये बात सुन के ना उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं कि ना अरे श्योर बेबी। तो फिर ना जो तेंगे तो सर हाँ मिला देते। तो फिर ना जो जंको को था स्माइल करते कहता ओके फाइन अच्छा वही सर बोलता है और फिर ना कहते मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो फिर ना जो तेंगे तो कहते हैं एज यू विश वही सर बोलता है और ना स्माइल कहते हैं और ना फेक स्माइल कहता है। तो फिर ना जंको को उसकी तरफ देखता है और फिर ना उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो फिर ना तेंग घबरा जाता है और फिर कहते बेबी बॉय मुझे तो अच्छे से पता तुम्हारी स्माइल का और फेक स्माइल का, तो प्लीज़ अगर तुम फेक स्माइल कर रहे हो तो फिर रहने दो ओके, तुम करना चाहते हो तो करो वरना रहने दो। वो इस तरह बोलता है और फिर ना बहुत ज़्यादा डीप वॉइस होती है। तो फिर ना जो मैं होता सर नीचे कर लेते और फिर ना जगह को ना अचानक से ना हाँ कर लेते। तो फिर ना जगह को अच्छा लगता है और फिर ना उसके ना बैग पे ना पैट करते और फिर कहते आज चले नीचे, उसको ना फिर नीचे ले गया था। उसके बाद फिर ना जो तेल होता वो कुक कर रहा होता बट उसके चेस्ट पे ना भी पेन हो रहा था। और ना कुछ टाइम बाद ना जो जगह को तो उसकी जब नजर जाती है तेंग के चेस्ट पे तो वो जो बैंडेज थी वो ना रेड रेड हो गई थी। उसकी वजह से जो उसने व्हाइट शर्ट पहनी थी उस पर भी ना अब स्टेन लग गया था ब्लड का। तो फिर ना जो तेंग हो तो वो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, उसको कुकिंग पे ही ध्यान होता है। तो फिर ना तेंग की ना ये देखे ना जो चक्कू को तो वो गहरी सांस लेता है, वो कहते हैं कि ना बेबी इधर हो। तो फिर ना जो तेंग हो तो वो ना फौरन अपना सारा काम छोड़ के ना चक्कू के पास आ जाता है और ये देखे ना चक्कू को ना स्माइल की तरफ कहते हैं कि ना बेबी बॉय इधर बैठो तुम्हारी ब्लीडिंग हो रही है इसको छोड़ो मैं खुद कर लूँगा। ये बोलता है और उसको ना वहाँ बिठाता है और उसकी ना बैंडेज फर्स्ट चेंज करता है, उसके बाद फिर ना खुद को करने लगता है। और जो ना जंक को ना इस तरह वो देख रहा होता है और कहते हैं कि ना तुम फर्स्ट ऐसा करते क्यों, फर्स्ट खुद पहन देते हैं उसके बाद उससे ट्रिपल ख्याल रखते हो और उसके बाद फिर उससे भी ज़्यादा पहन देते हो। मुझे नहीं समझ आया मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर ऐसे ही चलता रहा मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ फुल लाइफ टाइम रह सकूँगा। जगह प्लीज़ क्यों तुम ऐसे हो, उस तरह ना सोच रहा था माइंड में और ना जगह को देख रहा होता और जो जगह हो तो वो बस कुकिंग कर रहा होता है। इसी तरह ना 2 वीक्स और गुजर जाते हैं और इस 2 वीक्स में ना जो तेंग था उसने ना अच्छे से देखा नहीं था कि उसके चेस्ट पे ना क्या हुआ था, बिकॉज हर दफ़ा ना जो जगह को उसको खुद ही क्लीन करा देता था, उसको ना कई दफ़ा उसको गुस्सा हो जाता था, उसको ना थोड़ा बीट कर देता था, बट जो उसके जब आते थे चेस्ट एरिया वाले की बात हो फिर ना खुद ही क्लीन करता था, खुद ही उसके ना बैंडेज कर देता था। तो अभी तक
प्रियंग ने ना उसको देखा नहीं था कि जब वो अपने वहाँ किया गया था, तो उसने सोचा था बस ऐसे है ना कट से किए होंगे तो और कुछ तो कुछ नहीं, पता वो सोचते कि ना एक ही जगह पर काट, तो फिर ना वो इस चीज़ को ना लट्टू को करता है, इसको ज़्यादा सोचता नहीं है क्योंकि उसने क्या किया होगा। और इस तरह ना फिर अब ऐसे डेज गुजर रहे थे कुछ तो ना मीन्स अब टू वीक्स टोटल गुजर चुके थे, और अब जो उसका चेस्ट का पेन था ना अब वो बहुत बहुत ज़्यादा ही कम हो गया था, मीन्स इवन के नहीं था, अब नहीं था वो बहुत ज़्यादा वो हो गया था, बस हल्का सा ना रेड रेड उसको जगह फील होती थी, मीन्स हल्का थोड़ा दबाव तो दर्द होता था, वैसे दर्द नहीं था। तो फिर ना वो आज ना जब वो गया था ऑफिस, तो फिर ना वो उठते फिर सोचते थे कि ना मैं बैंडेज ना अपनी खुद ही चेंज कर लेता हूँ, और तो फिर क्योंकि बिकॉज जो जंकुक था वो बोल के गया था कि आपने बैंडेज खुद चेंज कर लेना टाइम से, तो फिर बिकॉज मुझे आज लेट हो जाएगा, तो फिर ना जो तेंग होता है वो ना फिर जब अपनी शर्ट उतार के ना बैंडेज उतारते तो वहाँ ना जो जीवन जैके लिखा था उसको देख के ना फुली शॉक हो जाता है, और उन्हें डर जाता है उससे देख के, मीन्स उसको ना बिल्कुल अपनी आइज पे यकीन नहीं हो रहा था कि ना जेके ने ये लिखा था, तो ना घबरा जाता है इसको देख के। और फिर ना बिल्कुल फ्लोर पे बैठ लेते, उसको ना बिल्कुल भी उसने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, और ना अब वो ना जेके से डरने लगे थे बिकॉज जो जेके था वो बिल्कुल साइकोपैथ की था ना, रिएक्ट किया करता था, बिहेव करता था, तो पल में ना बिल्कुल वो चेंज हो जाता था, तो अब ना तेंगु से डरने लगा था। तो ना रात को फिर ना जो जंकु होता है घर आता, तो फिर देखते कि ना जो तेंग है ना कोच पे बैठे और काफ़ी अजीब लुक लेके बैठे हो, तो फिर ना जो जंकु होता है उसके पास जाते हैं, कहते हैं तेंग क्या हुआ, तो फिर ना बेबी क्या हुआ, तो फिर ना जो जंकु को ना देखता है तेंग ना हाफ टैकेट है, तो फिर उसको गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं ना तुम हाफ टैकेट क्यों बैठे हो, हाँ कि इसको सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे ये बोलते हो, तो फिर ना जो तेंग होता है वो ना उसकी तरफ ना ऐसे देखता है बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस फेस देखे, और फिर ना वो खड़ा होता है और फिर कहते हैं ना घर में तुम और मेरे अलावा कोई भी नहीं होता, मैं किसको दिखाऊंगा, हाँ तो वो सीड्यूस करूँगा, वो इस तरह बोलता है। और उसकी ना वॉइस बिल्कुल ऐसे थी एम्प्टी सी टाइप थी, लॉल बिल्कुल उसमें ना लॉल नहीं लेस ना साफ हो रही थी, तो फिर ना जो जंकु को तो उसको गुस्सा आ जाते, और कहते सो तुम मेरे आगे जबान चला गया, हाँ तो फिर ना जो तेंग था वो बस उसकी तरफ देख रहा था, और फिर ना एक चकल करता और फिर कहते कि ना मुझे तुमसे यह मिली थी जो जंकु तुम सच में एक साइकोपैथ हो, मैंने तुम्हारे साथ करने की कोशिश की, बट तुम सच में तुम बस मैं जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, वो ये बोलते और उसकी आज बैठी आ जाते। तो फिर ना जंकु कहते ओ अच्छा बेबी हुआ तो तुम जा सकते हो, तुम मुझे भाग के दिखाओ, तो फिर ना ये बोलते हैं, और फिर ना जंकु ना ये बोल के ना वहाँ से चले जाते, बिकॉज उसको लगा था कि ना जो तेंग है वो सिर्फ ये बातें बोल रहा है, बट जो तेंग था वो ना इस बात को ना सच में लेके श्योर था, वो सच ये बात बोल रहा था, और वो ना कौच में वापस बैठ रहे थे और अपनी शर्ट की तरफ देखने लगा था जो ऑलरेडी वो उठा के बैठा हुआ था, बस उसने ना उस टाइम पर उतारी हुई थी, बिकॉज वो पूछना चाहता था कि जब उसने ये क्या किया उसके चेस्ट पे, बट फिर वो नहीं पूछ पाता, कुछ और ही बातें हो जाती तो इस वजह से वो नहीं पूछ पाता।